स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है तुझे कितना चाहे और हम। और काफी ज्यादा हम लोगों को इसकी सच में बहुत देर से रिक्वेस्ट मिल रही थी एंड आई एम सॉरी हम लेट हो गए क्योंकि काफी चीजें यू नो पेंडिंग पर रहती हैं। वेल ये जो सॉन्ग है वो कबीर सिंह का है और ये जो है अभी लाइव परफॉर्मेंस में गाया है जुबीन नौटियाल ने। हाँ जी, तो मुझे काफी मुश्किल नाम लग रहा था लेकिन मॉडर्न ने बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रोनाउंस किया। एनीवे, वीडियो देखने से पहले मैं यहाँ पर एक मैसेज पढ़ना चाहती हूँ। कल हमारा व्लॉग अपलोड हुआ था जो के था अबाउट बर्थडे और उस पर मुझे एक मैसेज आया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बर्थडे विशेष भी किया था जब मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई थी और उसमें मैं महाराष्ट्र स्टेट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करता हूँ। आज मेरे टेस्ट एग्जाम था, मैंने कल रात आपका इंडियन प्रोजेक्ट वाला वीडियो देखा, उस वीडियो में से दो क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आए और मेरे आंसर राइट आए, गुड जॉब। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो हम कुछ ऐसी भी तो वीडियोस करते हैं ना जिसमें यू नो फायदा था। एनीवे, अभी देख लेते हैं वीडियो, देन डिस्कस हम लोग को वीडियो कैसी लगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का रिव्यू लिंक आपको हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा आपको मेरे दूसरे चैनल का लिंक और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए पहले देख लेते हैं वीडियो, देन डिस्कस हम लोग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सुना सुना लग रहा है, सुना कबीर सिंह का है। नहीं, गाना भी सुना सुना लग रहा है। लाइटिंग कितनी मजे की है। पहले कहते लाइटिंग बहुत अच्छी है, अभी और ज्यादा जाके गर्दिश आई है मेरे दगमगा।
कुछ गाने जो है वो गाने नहीं होते बल्कि एक ना फीलिंग्स होती हैं. जैसे अगर इस गाने की बात करें ना, तो वैसे गाना मैंने जब उन्होंने स्टार्ट किया था, जुबीन ने गाना स्टार्ट किया था, तो मुझे तभी मैंने आपको कह दिया था कि गाना सुना सुना लग रहा है. तो ये गाना वाकई बहुत अच्छा है. और ये गाना जो है कबीर सिंह मूवी का था और जुबीन ने ही ये गाया था, तो बहुत अच्छा है. बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है जो सॉन्ग होते हैं ना, एक तो लिरिक्स नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उसके साथ जो एक गाना फील के साथ गाया जाता है वो आपको फील भी होता है. और बीच में जैसे उन्होंने कहा भी यू नो कि वो हार्ट ब्रोकन है, और उनका जिन लोगों का यू नो लव सीन उनसे है वो खराब हो चुका है, फिर भी वो मुस्कुरा रहे हैं, तो उनको मैं यही कहना चाहूंगी आगे बढ़े, कोई बात बिल्कुल नहीं. सही बात है, मुश्किल होता है लेकिन जिंदगी में आगे बढ़े. और अगर इस मूवी की बात कर रहे हैं, जिस मूवी के लिए इन्होंने ये गाना गाया, तो वो भी पूरी फुल ऑफ इसी तरह ही है. मैंने देखी नहीं है, लेकिन हमने ट्रेलर देखा था, लेकिन ट्रेलर से फुल ऑफ इसी तरह टूटा हुआ दिल. मुझे तो लग रहा है कि बीच में ना कबीर, अभी मैंने ऐसे मूवी नहीं देखी, लेकिन जो मैं अभी तक यू नो कॉमेंट सेक्शन में पढ़ती हूँ, जैसे हम लोग थप्पड़ मूवी के ट्रेलर पे किया था, कॉमेंट सेक्शन में मैंने पढ़ा था कि कबीर सिंह जैसी मूवीज में लड़कियों पे अत्याचार होता है. अब मुझे नहीं पता कि उसमें जो फीमेल एक्ट्रेस है क्यारा, उन पर कितनी उनकी पिटाई की गई है मूवी में, मुझे नहीं पता पिटाई की. लेकिन ये देखने के बाद ही मुझे पता चलेगा. लेकिन अगर हम गाने के बारे में जुबिन की लाइव परफॉर्मेंस की बात करें, तो लाइव परफॉर्मेंस भी उनकी बहुत अच्छी थी. शुरू से लेकर एंड तक जो है बहुत मजा आया सुनने का, लेकिन एंड पे जो है ना मुझे थोड़ा सा था कि जहाँ पे वो राग था ना, थोड़ा सा राग तो थोड़ा सा मुझे वो मुझे फील नहीं हुआ. हाँ, फील नहीं आई वहाँ पे, लेकिन शुरू में नो डाउट मुझे ऐसा लगता है कि ना जो लोग वहाँ पर मतलब उस कॉन्सर्ट को अटेंड किया होगा, जिन लोगों ने, वो उस टाइम पर कोई और ही मतलब वहाँ पे मुझे अच्छे से याद है कि जब मैंने आतिफ असलम का कॉन्सर्ट अटेंड किया था, आतिफ असलम का कॉन्सर्ट अटेंड करना लाइक सीरियसली आप इतना इंजॉय करते हो. जिन लोगों ने आप में से आतिफ असलम का कॉन्सर्ट अटेंड किया होगा उन लोगों को पता होगा, एक ऐसा डिफरेंट सा पता नहीं क्या एनवायरमेंट हो जाता है कि आपको ना बहुत ही अच्छा लगता है. और सबसे ज्यादा मुझे अच्छी चीज पता क्या लगती है, जैसे मैं यहाँ पर भी देख रही थी कि बहुत सारे लोगों ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की हुई थी, तो जब हम लोगों ने भी अटेंड किया था, तो वहां पर भी सबने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके, और आतिफ असलम के भी सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही रोमांटिक होते हैं. और मतलब पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ना आप उस चीज को ऐसे बैठ कर ना, जैसे जो लोग जिन लोगों ने कॉन्सर्ट अटेंड किया होगा, हम लोग बैठकर वो वाली मतलब जो एक चीज होती है ना, मतलब फीलिंग्स होती हैं, वो दोबारा से उस तरीके से रिक्रिएट नहीं होती जो आपका मतलब उस वेन्यू पर होती है, मुझे ऐसा लगता है. इसमें कोई शक नहीं. और मैं वही बात करने लगा था कि अगर एंड वाले पोर्शन की इनकी बात करें, जो एंड में बिल्कुल स्लो मोशन बगैर म्यूजिक की है, उसमें भी बहुत ज्यादा फील था. और मुझे वैसे ये बताएं कि आप में से कौन कौन से लोगों ने ये वाला अटेंड किया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने बिल्कुल किया होगा. और इसमें कोई शक नहीं, लाइव म्यूजिक का अपना मजा होता है. याद है मोस्टली जब हम जाते हैं बादशाह मस्जिद वाली साइड पे, फूड स्ट्रीट जाते हैं, तो वहां पे भी लाइव म्यूजिक हो रहा होता है, तो बल्कि वहां पे जाके स्पेशल जो है सुनने का दिल करता है अपनी पसंद का गाना, और उन्हें कहो तो आपको सुनाते भी है, और वहां पे वो जो एक फील होती है ना वो डिफरेंट होती है. ठीक है, हम लाइव म्यूजिक हम जो गाना सुनते हैं ना ऑडियो में, इस तरह जो पूरे एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आता है, वो उसकी जो फीलिंग्स होती है वो तो डिफरेंट होती हैं, लेकिन लाइव में आपको बहुत एक डिफरेंट किस्म का जो है ना अनुभव देखने को मिलता है. और सॉरी आपको इंटरप्ट मैंने कर दिया. इससे पहले जो है मैंने लाइव जो है उस पे जो सोनी पे आजकल चल रहा है इंडियन आइडल, उस पे मैंने देखा था सनी सिंह लड़के को, वो बहुत अच्छा गाता है. मैं कहता हूँ कि जितनी भी तारीफ की जाए ना, उस लड़के ने गाना नहीं सीखा, उसने जो है पता है हम लोग कॉमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट मिली हुई है सनी सिंह, बिल्कुल देखेंगे. वैसे मतलब मैंने नहीं देखा, लेकिन मौजम से सुन रही हूँ. वो लड़का मैं उसका देख रहा था ना बगैर क्या नाम लेते हैं सीखे, खुद सीखा, यानी जितना भी सीखा, और उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की कवालियां गाने सुन सुन के उन्होंने सारा सीखा. और मैं कहता हूँ मैं तो वाकई जब उन्होंने अपनी ओपनिंग जिस दिन करने आए थे ना शो में, जिस दिन उनका ऑडिशन था, मैं वाकई हैरान हो गया था. और वहां पे जो बैठे हुए तीन जजेस थे, उन्होंने जब उसे कहा कि आप इसके अलावा भी कुछ गा सकते हैं, तो आप
گا کے سنائیں, کیونکہ لازمی بات ہے آپ ایک منچ پر آ رہے ہیں جہاں پہ آپ جو ہیں ڈفرینٹ قسم کے گانے گائیں گے, تو خالی قوالی کو اگر آپ لے کے چلیں گے تو وہ نہیں ہے. تو انہوں نے پھر سنایا تھا راحت فتح علی خان صاحب کا ایک گانا, میں تو صرف تب بھی ان کا فین ہو گیا تھا. بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ ہم کل کریں گے نا جب ان پر, پھر اس کے بعد ان کے بارے میں سٹوریز ہمیں اس پر بتانا, کیونکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اتنی زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہی ہوں کہ میں بھی سننا چاہتی ہوں, کیونکہ نو ڈاؤٹ انڈین آئیڈل میں بہت اچھی آوازیں آتی ہیں. لاسٹ ٹائم پر بھی جو انڈین آئیڈل کے ونر تھے اگر آپ کو یاد ہو, وہ ہم کل ڈسکس کریں گے کون سے تھے, کیونکہ ابھی ہم بات کرتے ہیں ان کی. اگر میں لائیو کانسرٹ کی بات کروں تو میں موزم کی بات سے اتفاق کروں گی کہ لائیو کانسرٹ میں جو آپ کو مزہ آتا ہے نا, وہ آپ کو آڈیو میں نہیں ایسے مطلب مزہ آئے گا سننے کا. اور دوسری چیز یہ کہ عاطف اسلم کے علاوہ مجھے اگر کسی کا کانسرٹ اٹینڈ کرنے کا اور سننے کا مزہ آیا تو وہ راحت فتح علی خان صاحب کا ہے. آئی مین سیریسلی کیا ادبی قسم کا ان کا مجھے ایسے لگتا ہے کہ کانسرٹ ہوتا ہے, سکون سے بیٹھو آپ. مطلب ایک کانسرٹ ہے جو ہم لوگوں کو یہ دیکھنے کو ملا ہے اور جو عاطف اسلم کا ہوتا ہے, کھڑے ہو کے یو نو کرتے ہیں جھومتے ہیں, اور ایک ہے راحت فتح علی خان صاحب کا, بیٹھ کے سنو سکون سے. آپ کا مطلب دیکھو آپ کا انجوائے کرنے کا لیول ہی کوئی اور. یہ کلاسیکل کا جو ہے نا مزہ الگ ہے. ٹھیک ہے آج کل پاپ ہے, ہپ ہاپ ہے, بہت سارے میوزک کے جو ہے نا ڈپارٹمنٹس آ رہے ہیں, لیکن جو کلاسیکل میوزک کا مزہ ہے نا, جو ایک اس میں آپ کو یعنی روحانیت سکون, وہ آپ کو کسی اور میں نہیں ملے. مطلب ایسا لگتا ہے کسی اور دنیا میں چلے گئے. اوورال واقعی میں ہم لوگوں کو بہت مزہ آیا, اور آپ لوگوں نے کون کون سے کانسرٹ اٹینڈ کیے ہوئے ہمیں ضرور بتائیے گا, اور کس کس سنگر کے کیے ہوئے, بالکل, اور کہاں کس کس شہر میں کیے ہوئے, کس کس ایئر میں کیے ہوئے, اور اسی کے ساتھ ہمارے چینل کو لائک, ہمارے چینل کو سبسکرائب, ہمارے ویڈیوز کو شیئر, اینڈ کیپ اس ان یور پریئرز. ٹل دین, گڈ بائے.